देश भर में बड़ी धूमधाम से ईद मनाई जा रही है। मस्जिदों में ईद की नमाज अदा की गई। दिल्ली की जामा मस्जिद में ईद की नमाज पढ़ने के लिए बड़ी संख्या में नमाजी पहुंचे। ईद के खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों को बधाइयां भी दी। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर इस मौके पर लोगों में आपसी भाईचारा बढ़ने की कामना की। उन्होंने प्रार्थना की कि ये त्योहार करुणा, एकजुटता और शांति की भावना फैलाए। इतने नहीं, पीएम नरेंद्र मोदी ने बुधवार यानी कि 10 अप्रैल को मालदीव के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मोइजू को ईद की बधाई दी। इस दौरान उन्होंने पुराने समय से चले आ रहे दोनों देशों के बीच संबंध को लेकर भी बात कही। पीएम मोदी ने कहा कि पारंपरिक उत्साह के साथ मनाए जाने वाले ईद उल फितर दुनिया भर के लोगों को करुणा, भाईचारे और एकजुटता के मूल्यों की याद दिलाता है। पीएम मोदी के साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने देशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा, ईद उल फितर का त्योहार खुशी और मेल मिलाप का संदेश लेकर आता है। खुशियों का ये त्योहार सामाजिक एकता को मजबूत करने के साथ ही आपसी भाईचारे की भावना को बढ़ाता है। ये पर्व अमन, चैन और सौहार्द का संदेश देता है। उन्होंने कहा कि ईद के पर्व पर सभी को सद्भाव और सामाजिक सौहार्द और सुदृढ़ करने का संकल्प लेना चाहिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 10 अप्रैल को ईद उल फितर की नागरिकों को शुभकामनाएं दी और कहा कि ये त्योहार सभी को शांतिपूर्ण जीवन जीने और समाज की समृद्धि के लिए कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। उन्होंने कहा कि रमजान के पवित्र महीने के दौरान उपवास के बाद मनाया जाने वाला ये त्योहार आपसी प्रेम और भाईचारे का संदेश देता है। मुर्मू ने कहा, एकता और सद्भाव बढ़ाने वाला ये पर्व हमें क्षमा एवं दान करने की शिक्षा भी देता है। ईद गरीबों और बेसहारा लोगों की मदद करने और उनके साथ खुशियां बांटने का अवसर है। यह त्यौहार हमें शांतिपूर्ण जीवन जीने और समाज की खुशहाली और समृद्धि के लिए कार्य करने की प्रेरणा देता है। राष्ट्रपति ने कहा, आइए ईद के पवित्र त्यौहार पर प्रेम, करुणा और परोपकार के मानवीय आदर्शों का प्रसार करें। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी की यहां बात करें तो राहुल गांधी ने भी देशवासियों को ईद की मुबारकबाद दी। वहीं कोलकाता में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी इस पर बात कही। खैर, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर एक अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और चलते चलते एक जरूरी बात, आपको हमारे चैनल पर एक ज्वाइन बटन दिख रहा होगा जिस पर क्लिक करके आपको हमारी पेड मेंबरशिप मिल जाएगी। ज्यादा जानकारी आपको बटन पर क्लिक करके मिल जाएगी। तो देश और दुनिया की खबरों को जानने के लिए बने रहे न्यूज़ नेशन के साथ।